विकास दुबे का जिस तरह से अंत हुआ, जिस तरह से इनकाउंटर हुआ उसका, बहुत से लोग पहले से ही आशा लगा के बैठे थे कि उसका शायद इनकाउंटर हो जाए और इस तरह के अपराधी का ये अंत निश्चित ही था। तो विकास दुबे से किसी को सहानुभूति नहीं है और किसी को होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब बात जस्टिस की हो रही है और लोगों के मन में ख्याल आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो है। विकास दुबे का इनकाउंटर होने के बाद आपके हमारे दिमाग में कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं और उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो में देखते हैं कि हम इसको किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं। जो भी हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो प्रश्न लोगों के दिमाग में हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति ने महाकाल मंदिर में अपने नाम की रसीद बनवाई थी और खुल के सामने आया था, उसने कहीं अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की थी, इसे साफ जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने आया था, तो उसको डर था शायद कि पुलिस इनकाउंटर कर देगी, जो बाद में कर ही दिया गया, इसी वजह से वो सरेंडर करने आया था। तो जो आदमी इस तरह से सरेंडर करने आया है वो भागने की कोशिश क्यों करेगा, ये सोचने वाली बात हो सकती है। उस पर्टिकुलर डे पे जब इनकाउंटर हुआ क्या हुआ ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाएगा कि जिस आदमी ने खुद समर्पण किया है या समर्पण करने की कोशिश की है और उसके बाद में उसको अरेस्ट किया गया है, तो वो भागने की कोशिश क्यों करेगा। नंबर दूसरी बात, जब मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर के पास को अरेस्ट किया गया तो SP DM वहाँ के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के और वहाँ के मुख्यमंत्री सब ने ये बोला कि विकास दुबे को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं बने। अगर बने हैं तो वो क्या हैंडओवर किया गया सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद UPSTF को, क्या उसको ट्रांजिट डिमांड दिया गया था कोर्ट में पेश करके, जो कि सेक्शन 80 या CRPC के तहत होना ज़रूरी होता है अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है। ये दो चीज़ें हैं, देखिए अब तक दो पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था और जो गाड़ी वहाँ पर पलटी, वो दोनों गाड़ियाँ अलग अलग थीं जिसकी पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त चल रही हैं और पिक्चर फोटोज़ में भी देख सकते हैं, तो तीन पॉइंट तो यही हो गए। और उसके बाद जो मीडिया उनको फॉलो कर रहा था, वो जहाँ इनकाउंटर हुआ उससे पहले बैरिकेड लगा के क्यों रोका गया, ये कह रहे हैं कोरोना की चेकिंग चल रही है, इसकी चेकिंग चल रही है, इस तरह से क्यों मीडिया को रोका गया। और तो और जब उज्जैन से गाड़ियाँ चली थीं कि तो कुछ रिपोर्टरों की कार की चाबियाँ भी निकाल के रख दी गई थी, बाद में उनको अगले टोल नाके पे दिया गया था, तो इतना छुपाने की क्या ज़रूरत थी, ये शक पैदा करते हैं। जो वहाँ पर आई विटनेस हैं उन्होंने बोला, भाई हमने गाड़ी गिरने की तो कोई आवाज़ ही नहीं सुनी, हमने तो सिर्फ गनशॉट सुने थे भाई, और क्योंकि पुलिस ने सबको वहाँ से हटा दिया था। तो ये समझ में नहीं आया, जब गाड़ी पलटी नहीं, इतनी तेज़ से आवाज़ नहीं आई और सिर्फ गनशॉट हुआ, तो इसके पीछे रहस्य क्या है, डाउट तो होता ही होता है। और गाड़ी अगर गिरी पलटी मारी तो उसकी कंडीशन ऐसी लग रही थी कि सिर्फ उसको खड़ा कर दिया गया है, भाई कच्चा था पक्का था, हर जगह घिसटने की वो उसको निशान होने चाहिए थे, वो भी कहीं नहीं मिले, पानी बरस रहा था, बड़े निशान बनते हैं कि भाई घिसट के गई है, वो भी नहीं बने, कार की कंडीशन भी ख़राब नहीं थी, लोगों ने कार पलटने की आवाज़ नहीं सुनी, सिर्फ गनशॉट सुने, तो भाई ऐसा कैसे। देखिए चार पांच पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है कि जो आपका इतना डेंजरस क्रिमिनल है जिसके ऊपर 60 केस थे, तो उसको UPSTF के लोग ऐसे ही हाथ छोड़ के खुला करके ले आ रहे थे, हैंडीकैप्ट नहीं लगाया गया था उसको क्या। और जब कार पलटी तो सिर्फ विकास दुबे, जो कि अपनी इसी कंडीशन में नहीं था, जिसके दोनों पैरों में रॉड पड़ी हुई है, वो UPSTF के हट्टे कट्टे नौजवानों से, हट्टे कट्टे जो पुलिस वाले हैं उनसे गन चुरा के चढ़ा और भागने की कोशिश करने लगा, उसको चोट नहीं लगी जब स्टीव के सारे लोग अर्थचेतना हो गए थे, ये सोचने वाली बातें हैं। और दूसरी बात ये एक नेक्स्ट पॉइंट भी है कि जहाँ पर कार पलटी गई है या एक्सीडेंट हुआ है जो पुलिस के हिसाब से, वहाँ पर सब तरफ खेत ही खेत हैं, एक सिर्फ रास्ता है जाने का, ठीक है,
तो कैसे ऐसा हो गया कि वो उसी रास्ते पे भागा, इतना सब होने के बाद जिस आदमी ने सरेंडर किया हो वो भागने की कोशिश करेगा, उसने फायर किया और बचाव में फायरिंग हुई। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है भाई, आप तो समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी और एक और पॉइंट है, पहले बोला गया UPSTF की तरफ से कि भाई डिवाइडर था उससे टकरा के, क्योंकि जो आदमी चला रहा था नींद आ गई उसको, डिवाइडर से टकरा के गाड़ी पलट गई। बाद में आया कि नहीं भैया, भैंसों का झुंड आ गया था, उससे देख के उसको बचाने के चक्कर में कार पलटी कर गई नींद आने के बाद। तो विरोधाभास है कि भाई ऐसे कैसे। और तो और विकास दुबे को जो गोलियां लगी हैं वो सारी सीने पे कैसे लग गई? अरे भाई अगर कोई आदमी भाग रहा है तो पीछे से मारोगे गोली, उसको पीठ में लगनी चाहिए। तो सारी गोलियां सीने पे कैसे लग गई या सामने से कैसे लगी? एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट भी है कि भाई चलिए ठीक है आपकी सारी थ्योरी सही है, मान लेते हैं 5 मिनट के लिए कि आपकी सारी थ्योरी सही है, उसके पास रिवॉल्वर में कितनी गोलियां होंगी, 6 या 12 मैक्सिमम। तो आप वेट नहीं कर सकते 6 बारियां गोली ख़त्म कर दे उसके बाद जाके उसको अरेस्ट कर लो? तो ये पॉइंट सारे रेस करने वाले हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या निकलेगा, हम सबको मालूम है क्या निकलेगा। लेकिन अब देखिए भाई अब क्या कहा जा सकता है, काउंटर है, भागने को इसकी गोली मारी गई, ब्ला 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 ब्ला, समझ गए ना आप लोग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे इतिहास यही रहा है कि आजकल कितने समझ लिए 0.001% लोगों को ही सजा हुई है इनकाउंटर में। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी भाई, एकदम ऐसे होती है 0.001% लोगों को वो करने के लिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, ये विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है या कुछ राज दबाने के लिए मारा गया है, इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम चलेगा। वैसे अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook लाइक को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।